चुनाव बैलेट पेपर से होगा, ईवीएम से नहीं होगा। ईवीएम से चुनाव कराना देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है, और सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बनाना, तानाशाही सरकार हम लोगों को मार भी दे तो हम रुकने वाले नहीं है। यह जनता की आवाज़ है, कूड़े दान में डाल दिया तो हमें कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है कि हमारा सुप्रीम कोर्ट भी इसको कूड़े दान में ही डालेगा, श्रेडर में डालेगा। जो ईवीएम का डिमॉन्स्ट्रेशन हमने उस दिन जंतर मंतर पे किया था, हम चाहते हैं ये सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी हो, और उससे बेहतर डिमॉन्स्ट्रेशन हो कि जो दूध का दूध पानी का पानी कर दे। जो लोग ये इलेक्शन कमीशन के बोल रहे हैं अभी कि हमारी मशीनें ठीक चल रही हैं, आप लोगों को बहुत बड़ी सजा देगी जनता अगर आप प्रेस पे दबाव बनाओगे किसी तरीके का, अपोजिशन पार्टी के लीडर्स पे दबाव बनाओगे, तो जनता आपको माफ नहीं करने वाली। वो देश के सारे संस्थानों को दबाने की चेष्टा कर रहे हैं और दबा रहे हैं, ये इम्प्रेशन आरएसएस और बीजेपी की सरकार पूरे देश में बहुत साफ तौर पे दे रही है, हर एक संस्थान पे, इलेक्शन कमीशन पे भी। हमें भी इलेक्शन कमीशन के पास जाने नहीं दिया, कहीं वो मशीनें ना दे दें, उनकी आत्मा जाग ना जाए। तो हम समझ सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर पहले भी प्रेशर था, 2018 में 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया। ऐसा एक इम्प्रेशन जा रहा है के सभी संस्थानों के ऊपर और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी एक प्रेशर बिल्डअप करने की चेष्टा की जा रही है कि इस बात में खास तौर पे सरकार के खिलाफ कोई फैसला ना दिया जाए, ऐसा इम्प्रेशन सरकार खुद ही क्रिएट कर रही है। इससे ज़्यादा खतरनाक बात देश में कुछ नहीं हो सकती। ये सबसे दूसरी ज़्यादा खतरनाक बात है। पहली खतरनाक बात तो एक ही है, चुनाव सिर्फ और सिर्फ बैलेट पेपर से होगा, ईवीएम से नहीं होगा। ईवीएम से चुनाव कराना देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है, और सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बनाना डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से, सबसे बड़ा खतरे ये दो हैं देश के लिए। तो ईवीएम के खिलाफ तो ये हम लोग भी शायद ये सोच रहे थे कि जनता इस विषय में जागरूक नहीं है, लेकिन जो अब रिस्पॉन्स आ रहा है ये हम लोगों का शुरू किया हुआ इनिशिएटिव है ही नहीं, ये बात बिल्कुल साफ हो गई है। ये 95% से भी ज़्यादा जनता की आवाज़ है जो हम लोग उठा रहे हैं, ये बात बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गई है। जो फ़ोन हमारे पास आ रहे हैं ये बात तय हो गई है, ये हम लोग नहीं कर रहे हैं कुछ भी, ये भारत देश की जनता 95% से ज़्यादा ये चाहती है कि किसी भी हालत में किसी भी कीमत पर ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, चुनाव सिर्फ मतपत्र से होना चाहिए। एक बात तो ये साफ हो जानी चाहिए सबको। अब फ़ोन कर करके और रास्ते में चलते वकील आम आदमी हमें क्या बोल रहा है, भाई साहब आप इनसे अगर पीछे हट गई आपकी टीम तो हम आपको कभी माफ़ नहीं करेंगे, जो आप ये कह रहे हो ना जान दे देंगे, ईवीएम से इलेक्शन नहीं होनेंगे करने देंगे, तो पूरा देश ये चाहता है अगर आप लोग इससे पीछे हट गए तो देश की जनता आपको माफ़ नहीं करेगी, ये हमें लोग रास्ते में रोक रोक के बोल रहे हैं। तो एक बात तो ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। दूसरा, हम लोग अब 16 तारीख को क्या करने जा रहे हैं, भानु जी ने तो बड़े आराम से बता दिया 15 की छुट्टी घोषित कर दी, लेकिन ये छुट्टी क्यों घोषित कराई गई है, ये भारत देश की जनता की आवाज़ कितनी मजबूत है इस बात का इशारा ये सरकार कर रही है कि 15 तारीख को हमारा मार्च जो हमने अनाउंस कर दिया था वो 15 की छुट्टी भी कर दी, क्योंकि ये मार्च हम सिर्फ और सिर्फ हम नहीं चाहते कि बहुत बड़ी संख्या में लोग आए। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ 16 तारीख को वकीलों का मार्च करने का हमारा ऐलान था, तो उससे भी आप लोग समझ सकते हैं कि 15 तारीख को छुट्टी डिक्लेयर हो गई, मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता। लेकिन एक एक वकील हमें अब ये जो वकील अलग अलग समुदायों से भी आते हैं, अलग अलग ग्रुप से आते हैं, जो सरकारी वकील हैं, मैं आपको ये मज़ेदार बात बता रहा हूँ, वो भी हमारा और भानु भाई का और दूसरे जो गौतम साहब हैं जितने हमारे लॉयर्स हैं उनका हाथ पकड़ पकड़ के बोल रहे हैं भैया इससे पीछे मत हट जाना, हम आपको माफ़ नहीं करेंगे, ये हमारे साथ हो रहा है। तो हम लोगों ने अब कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है, अगर हम लोग को ये मार भी दें, ये तानाशाही सरकार हम लोगों को मार भी दे तो हम रुकने वाले नहीं है, ये जनता की आवाज़ है। तो 16 तारीख को सुप्रीम कोर्ट को, और ये हमारा फ़र्ज़ भी है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने 4 जजेस ने गुहार भी लगाई थी और इनडायरेक्टली बहुत सारे रिटायर होकर चीफ जस्टिसेस बोलते भी रहते हैं, हमारी जिम्मेदारी है देश की जनता की सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े रहकर उसे जनता का भी सुप्रीम कोर्ट बनाए कि आपसे ऊपर हम किसी को नहीं समझते, आप निष्पक्ष रूप से फैसला करो, जनता आपके साथ खड़ी है,
और जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड होता है इस फैसले में। इसका कोई लॉजिक नहीं है, यही हम गुहार लगाने जा रहे हैं कि जब आपने खुद ही सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि वीवीपैट वाले जो वोट होते हैं वही वोट होते हैं, तो ये एक रुपए की मोहर क्यों नहीं लगाते आप एक रुपए के खर्चे वाली, ये हजारों रुपए की पूरी 3 मशीनें खरीद के और उसका एक लंबा प्रोसेस करने की क्या जरूरत है। ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की, जो सुब्रमण्यम स्वामी साहब की जजमेंट है, उसी के रूह से हम ये बात बोल रहे हैं। इसमें मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट को या किसी भी कोर्ट को, दुनिया के दूसरे सुप्रीम कोर्टों को तो कोई इसमें हिचक नहीं हुई, और उन्होंने तुरंत जर्मनी के सब जगह से इसको मतलब धक्का दे के कूड़े की डब्बे में डाल दिया, कूड़े दान में डाल दिया। तो हमें कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है कि हमारा सुप्रीम कोर्ट भी इसको कूड़े दान में ही डालेगा, श्रेडर में डालेगा। लेकिन अगर ये इंप्रेशन सरकार क्रिएट कर रही है कि हम सुप्रीम कोर्ट को भी, जैसे हमने विपक्ष के नेताओं को, जैसे प्रेस के लोगों को दबा लिया है, हम लोग डरा लेते हैं ईडी सीबीआई और पता नहीं कितनी एजेंसीज के जरिए, हम शायद सुप्रीम कोर्ट को भी दबा लेंगे, ये भारत देश की जनता और इस देश के वकील जो ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट हैं वो नहीं होने देंगे। सुप्रीम कोर्ट के साथ हम सब खड़े हैं, बिल्कुल कोई सुप्रीम कोर्ट पे दबाव इस सरकार को बनाने नहीं दिया जाएगा। यही डिमॉन्स्ट्रेट करने हम लोग 16 तारीख को पटियाला हाउस के गेट नंबर 4 से, उसी जगह जिस जगह से 5 तारीख को प्रोटेस्ट या एक मार्च डेलीगेशन लेके गए थे हम, उसी तरीके से एक डेलीगेशन सिर्फ और सिर्फ वकीलों का 16 तारीख को गेट नंबर 4 पटियाला हाउस के गेट नंबर 4 से और 3 बजे गेट नंबर 4 पटियाला हाउस कोर्ट्स 16 तारीख 3 बजे हम सभी वकीलों से, दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों से या बाहर से भी कोई वकील आना चाहें, देश के जिस भी हिस्से से वकील आना चाहें, सिर्फ वकीलों का मार्च नहीं है ये, एक तरह का डेलीगेशन है। फिर हम जाके सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े रहेंगे, उनके सामने एक जनता की दीवार बन के कि कोई हिम्मत ना करे सुप्रीम कोर्ट पे किसी प्रकार का प्रेशर बनाने की। जो ईवीएम का डिमॉन्स्ट्रेशन हमने उस दिन जंतर पे किया था, हम चाहते हैं ये सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी हो और उससे बेहतर डिमॉन्स्ट्रेशन हो कि जो दूध का दूध पानी का पानी कर दे। जो लोग ये इलेक्शन कमीशन के बोल रहे हैं अभी कि हमारी मशीनें ठीक चल रही हैं, हम अपनी मशीन उन्हें देने को तैयार हैं, वो अपनी मशीन हमें देने को क्यों तैयार नहीं है, यही हम सुप्रीम कोर्ट के सामने भी डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे कि हम सच्चे हैं और ये झूठे हैं, और इलेक्शन कमीशन के ऊपर दबाव बना के ये झूठ साबित कराया जा रहा है। यही हम आप सब लोगों से भी गुजारिश करते हैं। एक आखिरी चीज़, ये सरकार को, ख़ास तौर पर अमित शाह साहब को, ये हम गुजारिश समझ लें, वार्निंग समझ लें या जो भी समझ लें, इस देश की ऑपोजिशन के ऊपर प्रेशर बनाना बंद कर दो, इस देश की प्रेस के ऊपर प्रेशर बनाना बंद कर दो, प्रेस को पुलिस से दबाना बंद कर दो। ये अच्छी बात नहीं है, जनता जाग गई है, जनता उठ खड़ी हुई है। आप लोगों को बहुत बड़ी सज़ा देगी जनता अगर आप प्रेस पे दबाव बनाओगे किसी तरीके का, ऑपोजिशन पार्टी के लीडर्स पे दबाव बनाओगे, तो जनता आपको माफ़ नहीं करने वाली। और हमारे प्रोटेस्ट करने वालों के ऊपर भी अगर ये बल का प्रयोग हुआ तो वो बहुत बुरी बात होगी। हम 100% पीसफुल काम करते हैं, संविधानिक काम करते हैं, इतना सा भी, 1 मिलीमीटर भी हम संविधान और कानून के बाहर नहीं जाते हैं। पुलिस का प्रयोग करके ये हम पे हमले, जो क्रिमिनल हमले कराने हैं, वो बंद कर दिए जाएं। हम पीसफुल हैं, पीसफुल रहेंगे, और आरएसएस के गुंडों को भी किसी प्रकार का वॉयलेंस नहीं करने देंगे।